स्टूडेंट जिस प्रकार हमारा जो संख्या होता है एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है उसी प्रकार जो हमारा प्रायिकता होता है यानी जो लास्ट चैप्टर होता है जैसे बालाजी प्रकाशन में पंद्रह नंबर का चैप्टर है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि संख्या के कोई ना कोई प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं उसी प्रकार जो हमारा प्रायिकता है उसके भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने के मिलता है जो प्रश्न होते हैं काफी आसान होते हैं ये चैप्टर भी काफी आसान होता है बस यहाँ पे समझने की थोड़ा सा दिक्कत होता है अगर सही तरीके से आप समझ लेते तो इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको आप लोग सॉल्व न कर पाएंगे तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज हमारा जो फिफ्टीन है यानी प्रायिक जो हमारा चैप्टर है उसका मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न अगर इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आगे के प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो स्टून इन प्रश्नों को समझने से पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए जैसे प्रायिकता होता क्या है तो प्रायिकता बराबर हमारा होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम या इसी को एक और तरह से लिखा जाता है कि आने की संभावना बटे कुल संभावना यानी इसका मतलब हुआ है जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए आप जानते होंगे कि ताश अधिकतर लोग खेले होंगे चाहे ताश देखे होंगे तो वहां पर क्या होता है बावन आपके क्या होते हैं पत्ते उसमें होते हैं ठीक है ना और उसमें जो हमारा जैसे ए लिखा होता है इसको एक बोला जाता है ठीक है इसमें क्या होता है चार होता है उसी प्रकार के वाला भी होता है, की वाला भी चार होता है यहां पे वन वाला भी क्या होता है चार होता है इस तरह के करके हमारा क्या होता है मतलब यहाँ पे बावन पत्ते होते हैं ठीक है ना तो अगर आपसे पूछे कि बावन पत्तों में एक का आने की क्या प्रायिकता है तो यहाँ पे सिंपल जानते हैं कि आने की भाई एक का कितना है चार है अगर बावन पत्तों में से हम किसी एक पत्ते को निकालें तो इसमें से क्या होगा जो इक्का आएगा क्या होगा चार ही बार ना आ सकता है क्योंकि टोटल हमारा आने की संभावना क्या है चार है और हमारा कुल संभावना यानी बावन पत्तों में से चार बार ही हमारा क्या हो सकता है इक्का आ सकता है तो सिंपल हो जाएगा आने की संभावना बटा कुल संभावना कितना है बावन तो चार बट्टे बावन इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं उसी प्रकार पूछा जाए कि बादशाह आने की प्रायिकता तो बादशाह आने की जो हमारा प्रायिकता हो जाएगा कितना ये भी हमारा क्या होता है चार ही होता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा चार बट्टे बावन लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि मतलब आ, पान का इक्का आने की प्रायिकता तो पान का इक्का देखेगा यहाँ पे चार, चार क्या होते हैं रन होते हैं जैसे एक पान होता है आपका एक चिड़ी होता है एक क्या होता है आप जानते होंगे यहाँ पे हुकुम होता है और एक हमारा क्या होता है ईट होता है तो यहाँ पान कितना होता है पान क्या होगा एक ही इक्का होता है ईट का हमारा क्या होता है एक ही इक्का होता है हमारा क्या होता है चिड़ी का एक ही इक्का होता है और आप जानते हैं कि जो हुकुम होता है उसका क्या होता है एक ही इक्का होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटे क्या हो जाएगा बावन हो जाएगा तो इस तरह से क्या करना आपको आंसर पता करना है जैसे आपसे पूछा जाए कि हम क्या कर रहे हैं एक से लेके यहाँ पे लिख रहे हैं पांच तक की संख्या लिख रहे हैं यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ पे एक से पाँच तक संख्या जो लिखा गया जैसे पूरा का पूरा संख्या लिख देते हैं एक दो तीन यहाँ पे चार और पाँच और आपसे बोला जाए कि चार से छोटा चार से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगा तो कुल संभावना क्या है टोटल कितना अंक है पांच है अब पांचों में से चार से छोटा कैठो अंक हो रहा है देखिए एक दो तीन यही ना चार से तीन अंक हो रहा है यहाँ पे चार से छोटा क्या हो रहा है तीन अंक हो रहा है तो यहाँ पे आने की संभावना क्या है तीन बटे पांच यानी कुल जो हमारा संभावना है टोटल जो हमारा नंबर है पांच है लेकिन हमारा जो चार से छोटा अंक आएगा कितनी बार आ सकता है तीन बार आ सकता है नहीं तो एक आ सकता है नहीं तो दो आ सकता है नहीं तो तीन आ सकता है तो मतलब ये मतलब फार्मूला जो होता है प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना या इसी को आपके बुक में लिखा हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावना तो इस तरह से इजिली हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे फिर भी अगर कहीं दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करिएगा लिंक आपको दिया गया ग्रुप का भी दिया गया व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया

ता एक पे टेल आ जाए एक बार हेड जाए यानी जो हमारा कुल संभावना कितना हो रहा है एक दो तीन चार टोटल जो हमारा संभावना हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो रहा है चार हो रहा है और दोनों पे हेड आ सकता है आप जानते हैं हेड टेल जानते हैं जैसे फिगर पे आपको दिखाई दे रहा है ये हेड होता है और ये क्या होता है आपका टेल होता है आप भी टॉस करते होंगे तो आपको पता है क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे सारी चीजें पता है तो स्टूडेंट जब दो सिक्कों को एक साथ उठा जाता है तो कुल संभावना हमारा चार होता है या दोनों पे हेड आ सकता है दोनों पे टेल आ सकता है या एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए या एक पे टेल आ जाए एक बार हेड आ जाए लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपको निकालना है भाई आने की संभावना कुल संभावना तो चार कंडीशन हो गया लेकिन आने की संभावना क्या है तो आने की संभावना निकालने के आपको प्रश्न को देखना पड़ेगा यहां पे पूछ रहा है कि चित आने की प्रयत्ता तो चित्र चीत में आप जानते हैं हेड पूछ रहा है तो यहां पे देखिए हेड किसमें किसमें इसमें है इसमें यानी हेड जो हमारा आने का हेड का मतलब होता है चित्त ठीक है ना तो इसमें क्या हो रहा है तीन बारी ही आने की संभावना है क्या तीन बारी ये तो हमारा आएगा नहीं इसमें तो हेड है नहीं इसमें चित्त है नहीं तो ये तो हमारा आएगा नहीं यानी हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोग डायरेक्ट लिखेगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है हमारा तीन है आने और कुल संभावना यहाँ पे कितना हो रहा है चार हो रहा है तो तीन बटे चार ही बटे में ही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जो इसका आंसर आता है हमारा क्या होता है बट्टे में ही आता है आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं पहले लिख लीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर तीन कुल संभव परिणाम बराबर चार और फिर लिखेगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावना फिर यहाँ पे करेंगे तब भी हो जाएगा आप डायरेक्ट लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करेगा मैं इस पर लाइव क्लासेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो तो आपको बता दो कि एकमात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है और चैप्टर वाइज मेरे चैनल पर आपको प्ले बना हुआ है और बिल्कुल नए उस सिलेबस से मैं क्या किया हूँ पढ़ाया हूँ हर एक क्वेश्चन का हर एक चैप्टर से आपको सोलूशन मिल जाएगा और मैं फ्री में आपको डेली क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करता हूँ

इसको आपको नहीं लिखना है बस समझने के लिए मैंने बताया चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दो को तो देखिए जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे बता रहा है कि प्रश्न दो में कह रहा है एक बार पासा फेंका जाता है पासा आप जानते होंगे अब लूडो खेले होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको पासा दिखाई दे रहा है तो कह रहा है प्राप्त संख्या तीन से छोटी होने की प्रायिकता तो अब जानते हैं कि टोटल उस पर जो नंबर होता है एक दो तीन चार पाँच छ मतलब छ तक के नंबर लिखे होते हैं आपको इस स्क्रीन पे भी ये दिखाई दे रहा होगा ये छह तक के नंबर लिखे होते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यानी जो कुल संभावना यानी यानी कुल संभव जो परिणाम है हमारा कितना हो जा रहा है छठ हो रहा है और आने की संभावना आपको प्रश्न में दिया है कि तीन से छोटी संख्या आने की प्रयोगता पूछ रहा है तो अनुकूल परिणामों की जो हमारा संख्या हो जाए तीन से छोटी संख्या देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है दो हो रहा है यहां पे एक और दो हो रहा है हमारा जो आने की संभावना है कुल संभावना कितना है यहां पे छह है लेकिन तीन से छोटी संख्या कह रहा है दो हो रहा है तो यहां पे सिंपल हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या यानी आने की जो संभावना है कितना है दो है यहाँ पे संख्या को गिना जाता है यहाँ पे एक दो से नहीं मतलब यहाँ पे संख्या को काउंट किया जाता है ठीक है ना और कुल संभावना कितना है छह है तो यहाँ पे देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ इस संख्या से नहीं मतलब है मतलब छह बारी क्या है यहाँ पे नंबर्स होते हैं तो यहाँ पे काटेंगे तो दो एक कम दो तीन छो काटने वाला होता है तो काट लेते हैं एक बटा तीन ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका कोई मात्रक हमें नहीं लिखना तो ये हमारा दूसरे का भी सोल्यूशन हो गया चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीन और चार का सोल्यूशन कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं चार ही प्रश्न बताऊंगा अगर आपका डिमांड आएगा तो मैं इस पर लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और नेक्स्ट

एक कार्ड निकाला जाता है निकाले गए कार्ड पर सम संख्या होने की प्रायिकता बताना था तो यहाँ पे हमको बता रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास क्या है यहाँ पे जो कार्ड इसे नंबर लिखा गया है तीन लिखा गया है चार लिखा गया है पांच इस तरह से करके बीस तक के क्या किए गए संख्या लिखे गए हैं ठीक है ना यहाँ पे कह रहा है कि बताइए अगर हम इसको क्या करते हैं मतलब उस बैग में रख देते हैं और उसमें से एक एक करके मतलब कार्ड निकालते हैं तो क्या संभावना है कि वो सम संख्या आएगा तो यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया था प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना तो पहले आने की संभावना निकाल लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये फार्मूला आप इसके मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा बराबर तो आने की जो संभावना देखिएगा सर सब सबसे पहले आप पहचानेंगे कि भाई 3 से 20 तक में कितनी सम संख्याएं होती हैं तो कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी तो चार हो जाएगी छः हो जाएगा आठ हो जाएगा आपका यहाँ पे दस हो जाएगा बारह हो जाएगा चौदह हो जाएगा आपका सोलह हो जाएगा और क्या हो जाएगा अठारह यहाँ पे क्या हो जाएगा अठारह यहाँ पे बीस ठीक है ना बीस भी हमारा क्या होता है सम संख्या होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना यानी आने की जो संभावना है हमारा कितना हो कैट हो रहा है तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो ये नए हो रहा है यानी आने की जो हमारा संभावना है नौ है और कुल संभावना यानी टोटल ये कितना अंक हो रहा है इसको जब पूरा काउंट करेंगे तीन से लेके बीस वक्त ये हमारा कितना आएगा अठारह आता है कितना अंक आएगा अठारह यानी जो हमारे आने की संभावना है नौ है और कुल संभावना है अठारह यानी अठारह

यहां पे कुल संभालना कितना होता है अठारह होता तो सिंपल काटेंगे एक बटा दो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर चार को तो देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर चार है काफी इंपोर्टेंट बस ये भी है इसमें बता रहा है एक बक्से में छः सात आठ यानी पंद्रह तक के क्या कह संख्या है, अंकित है एक कार्ड पे ठीक है ना कह रहा है इन्हें अच्छी तरह से फेंट दिया गया और क्या किया गया वहां पर बॉक्स में क्या किया गया रख दिया गया और आपका बोला जा रहा है कि क्या कर रहा है एक एक कार्ड को मतलब निकालना है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दस छोटी आ, संख्या होने की प्रायिकता आपको बता रहा है तो बहुत आसान है सबसे पहले हम संख्याओं को लिखते हैं छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ पे तेरह यहाँ पे चौदह यहाँ पे पंद्रह यानी पंद्रह तक के संख्याएँ हैं हमसे पूछ रहा है कि दस से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए तो यहाँ पे लिखेंगे दस से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रायिकता तो प्रायिकता बराबर आपको फार्मूला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहां मैं एक और फार्मूला बताया हूं कि आने की संभावना क्या होता है कुल संभावना तो भाई छोटी कितनी है तो दस छोटी संख्या एक दो तीन चार ये जो चार संख्या है, है दस से छोटी है तो आने की जो हमारा संभावना क्या हो जाएगा चार हो जाएगा लेकिन जो कुल संभावना है कुल संभावना कितना हो रहा है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस टोटल जो संभावना कितना है दस है आप सिंपली इसको काटिए यहाँ पे काटेंगे तो दो दूना ना चार दो पचास

से रेगुलर नहीं ले पा रहा हूं चूंकि आप लोग मुझसे जुड़े नहीं हैं अभी तक तो अगर नहीं जुड़े तो एक बार जुड़ जाइए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से तो वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा आपका स्पेशल एक ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप तो अगर वहां रहते हैं तो फ्री में जब मैं राशन क्लास में आपको चलाऊंगा चाहे जब भी लाइव चलाता हूं तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं जो भी वीडियो होगा आपको शेयर कर दूंगा फ्री में मैं पीडीएफ मटेरियल भी देता हूं ताकि आपको अच्छा अच्छा नंबर आ जाए इसके पहले जो भी मेरे चैनल से लोग पढ़े हैं उनका जो नंबर है पंचानवे परसेंट चौरानवे परसेंट तिरानवे परसेंट नब्बे परसेंट भी आया उसका स्पेशल एक वीडियो बनाया गया उस वीडियो का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन वहां पे देख सकते हैं और पूरा का पूरा मैराथन क्लासेज का भी वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली बार किस तरह से पढ़ाया था किस तरह से लाइव आकर मैंने क्या किया तैयारी कराया था बिल्कुल फ्री में तो इस तरह की चीजें आपके साथ भी होने वाला है तो बस इस चैनल को जुड़े रहिएगा अगर आपके फ्रेंड है तो उनके भी साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि एक मात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ तब तक लिए आपका धन्यवाद